नौजवान ते आगुआं वालों गलबात करदिआं दस्सिआ गिआ कि सानूं शहीद भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव ते पाए होए पुरनिआं ते चलना चाहीदा है। उन्हां वालों रस्सिआं नूं चुम के गल विच पा के गोरे अंग्रेज़ां तों साडे देश नूं आज़ाद करवा लिआ सी। सानूं काले अंग्रेज़ां तों आज़ाद करवाउण वास्ते उन्हां दे पाए होए पुरनिआं ते चलना पवेगा। फिरोजपुर तों पत्रकार गुरप्रीत सिंह भुल्लर दी रिपोर्ट। मैं भगत सिंह की समाध से सजदा करन आई हाँ उन्होंने शहीदों नूं जिहड़े शहीदों ने अपना बलिदान दे के साडे देश नूं आज़ाद करवाया। तो यूथ नूं मैं एक ही मैसेज देना चाहनी हाँ भी इत्थे आण के एक प्रणाम तक सीमित ना रह जाए जी। इस सोच नूं अपनी निजी जिंदगी दे दायरे दे विच अपनाओ तां जो साडा अज भी असीं जिहड़ियां गुलामी दीआं जंजीरां दे विच जकड़े होए हाँ इन्हां तों असीं आज़ाद हो सकीए। इनकलाब जिंदाबाद। असीं लुधियाणे तों उस महान शहीद नूं श्रद्धांजलि भेंट करन आए हैं जिन्हां दी सोच नूं नौजवान वर्ग नूं बहुत ही वधिया ढंग नाल अपनाउण दी लोड़ है। भगत सिंह नूं सरदार भगत सिंह जी नूं उन्हां ने पिस्तौलों वाले और बंबा वाले साडे सामने पेश किया है। मेरी हाथ जोड़ के नौजवान वर्ग नूं बेनती है कि उन्हां दी जो बुद्धिजीवी वाली उन्हां दी सोच सी उहनूं अपनाउण दी लोड़ है। जो चाहुंदे सीगे कि साडा देश किहो जिहा होना चाहीदा, साडा देश बराबरता दी उन्होंने गल की, उन्होंने गुलामी ने जंजीरां तोड़न की गल की। असीं अज भी उसी गुलामी दे जंजीरां विच जकड़े हुए हैं। उसी मानसिकता की जो जो सोच है गुलामी वाली उन्हें तोड़न की लोड़ है। जो अमीर जादे जो अमीर लोग आ उन्होंने को हले भी साड़ी आजादी उन्होंने को हले भी असी हले भी उन्होंने गुलाम हाँ। उस सोच में भगत सिंह जी ने अपनाने की लड़ है। नौजवान वर्ग में मैं इन्ना ही कहना चाहता हाँ इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह हमारे खून में और हम भगत सिंह के विचारों को लेकर काम भी करते हैं लोगों के अंदर। नौजवानों को क्या कहना चाहोगे कि इनके जो पक्षों पे नहीं चल रही है कैसे भी है? मैं उसके पहले अपने उनके सभी माँ बाप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप जब बच्चा पैदा करते हो तो बचपन से ही उसको भगत सिंह की राह की बात बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने जो इतनी कम उम्र में शहादत दी है उसका जो महत्व है हमें समझ है, क्योंकि उन्हें खुद के लिए नहीं दिया, खुद के परिवार के लिए दिया नहीं, जो आने वाला जनरेशन है आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुर्बानी दी है। उसका महत्व हर माँ बाप ने बच्चा पैदा होते ही करना चाहिए। आज जैसे मेरी बच्ची भी साथ में, इसको मैं इसके लिए लाया है, इसको हमेशा हर प्रोग्राम में हम रखते हैं और इसके लिए यहाँ पर लाया कि आने वाले वक्त में इसके दिमाग में रहे कि हम भगत सिंह के बच्चे हैं। तो ये सारे माँ बाप से मेरा यही कहना है कि आप हर बच्चा जो छोटा है वो बड़ा होते जाता है, एक वक्त के बाद आपके हाथ से निकल जाएगा, तो हाथ से निकलने के पहले आप उसको ये सारी बातें समझाओ कि भगत सिंह ने जो शहादत दी है कुर्बानी दी किसके लिए दिया है, वो हमारे लिए, हमारे बच्चे आने वाले खुशी से रहे, अच्छा रहे, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी किसानी हो, ये सारे बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो किया है कुर्बानी। और मैं नौजवान को ये बात आह्वान करते हैं कि जो कुर्बानी भगत सिंह ने दी उस बात को आपको पढ़ना होगा। जब तक आप आज हिंदुस्तान में नौजवान पढ़ता नहीं है कुछ, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे खाली रहता है, फेसबुक पे रहता है, इंस्टाग्राम पे रहता है, लेकिन जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने शहादत दी है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, ऐसे लोग जो कुर्बानी दी उनकी जो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी, और स्कूल के पढ़ाई के अंदर भी सिलेबस के अंदर जैसा महात्मा गांधी का पाठ होता है बड़े पैमाने पे, वैसा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, जैसे इनका भी पाठ बड़े सुसार हुए थे। तो मैं जिहड़ा अपना टिकरी बॉर्डर धरना लग्या किसान अंदोलन का संयुक्त मोर्चा के थले, उत्थों असीं आए हाँ। तो साडा इत्थे आउण दा मकसद यह है भाई जिहड़े अपने पुरखे सी जिन्हां ने आपां नूं आजादी दिलाई सी उन्हां लई आपां, मतलब जिन्हां ने साडे लई सब कुछ किया, जिन्हां करके असीं जिउ रहे हाँ, जिन्हां करके असीं आज़ादी की सांह लै रहे हाँ, उन्होंने इन्ना कुछ साढ़े लिए किया। तो सानू अज उन्हों की कुरबानी का दिन याद नहीं। इतने किन्ने बंदे आए हैं
ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਾਹਵਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਖ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਸਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਚੇ ਤਾਊ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਗਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੋਹੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੋਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲੇਗੀ।